सॉरी दादू, सॉरी दादी, आप दोनों प्लीज वनी से कुछ मत कहिए। इससे हमने ही कहा था वो कार खरीदने को, हमसे गलती हो गई, हमें वो कार पसंद आई और हमने बिना कुछ सोचे समझे खरीद ली। क्रिश और बिंदिया के जाने से स्वरा बहुत अकेली हो गई है। भाई हमने देखा ना किस तरीके से यहाँ पर उन दोनों की मौत हो जाती है, और पायल अभी जिंदा है, पायल जेल में है, लेकिन अभी पायल का कुछ अता पता नहीं है, मतलब एपिसोड ने पायल के बारे में बताया नहीं गया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, सॉरी। ऐसे ऐसे करके ना एक दिन पूरे घर में आग लगा देना, अब बोल देना सॉरी। लड़की दो बस करो। लेकिन यहाँ पर दिखा दिया कि भी स्वरा जो है वो बड़ी हो गई है, और ध्वनि उसकी दोस्त तो नहीं बोलेंगे लेकिन है उसकी नौकरानी की बेटी है जो उसकी देखभाल करती है, और भरी दोस्त से ज्यादा ही है वो, क्योंकि यहाँ पर जितना हमारा जो कुछ भी है वो सब स्वरा का ही तो है, और हमने अपनी मर्जी से उसे ये कार्ड दिया था ताकि वो अपने मन से कुछ खरीद सके, बस। नहीं बिटिया, नहीं नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। पैसा है स्वरा का, जो एटीएम कार्ड है, सारी चीजें वो सब स्वरा यूज करती है। हमने देखा है किस तरीके से एपिसोड में भाई यहाँ पर उसने गाड़ी खरीद ली है, वो भी स्वरा। गाड़ी अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी, और एक दिन तुम इसी गाड़ी में बैठकर दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाओ। के पैसों से अब भाई वो गाड़ी वगैरह तो खरीद के लेकर आ जाती है स्वरा के नाम से, और यहाँ पर स्वरा को बोलती है कि ये तुम्हारी लिए गाड़ी है, और यहाँ पर स्वरा बोलती है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, तुमने इतना पैसा क्यों खर्च किया, और तुम एक काम करो अभी इसको बेच। चिंता मत कर, गाड़ी में बैठ के दुल्हन बन के बिता होगी, अरे इस मनहूस को कोई पूछेगा तब ना जाएगी। करा जाओ, और मुझे जरूरत नहीं है कार की। अब जो ध्वनि है उसको समझ में नहीं आता कि भाई मैं तो लेकर आई हूँ यहाँ पर अपने लिए कार, और ये पागल लड़की इसको वापस करा रही है। तो यहाँ पर ध्वनि ना अब चाल चलती है और स्वरा को पागल बनाती है। पहले तो उसका मुंह वगैरह पहुंचेगी, उसको बोलेगी देखो तुम्हारे मुंह पर कितनी धूल है, तुम्हें कितनी जरूरत है कार की, और मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ और अब मैं वापस नहीं लेके जाऊंगी, ठीक है अगर तुम्हें लगता है तुम्हें वापस दे देती हूँ, लेकिन शोरूम में ना इसको आधे पैसों मिलेंगे। तो यहाँ स्वरा बोलती है कि अरे ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और फिर उसके बाद ना वो दादी का बोलने लगती है, अरे अगर दादी को पता लग गया ना तुम्हारी तो वो हंगामा कर देगी। तो स्वरा को वो इतना पागल बना देती है कि स्वरा भाई अपने ऊपर सारी चीजें लेने को तैयार हो जाती है, क्योंकि पता ही है कि घर जाएगी तो यहाँ पर इंदु बहुत गुस्सा करने वाली है, उसको बोलेगी इतना खर्चा किया तुमने, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, और इतनी बड़ी कार खरीदने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर वो इस तरीके से पहले ही बना देती है सारी रूपरेखा कि भाई स्वरा सब कुछ अपने ऊपर लेने वाली है। वहीं हम देख रहे हैं कि स्वरा ना छुप छुप के डांस भी सीखती है, और यहाँ पर एक मैम है जो कथक सिखाती है, बच्चों को सिखा रही है, और स्वरा भाई छुप छुप के देख रही है, डांस देख रही है, सब चीज देख रही है। और अभी तक लग रहा था ना कि जो स्वरा इतना अच्छा डांस करती है वो यहीं से देखती है, यहीं से सीखती है, अभी तक वो उन मैम के पास सीखने नहीं गई थी, लेकिन हाँ वो उसने इतना तो सीख लिया है कि भाई अब जो वो अपनी मैडम से मिलने वाली है तो बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि वो पूछेंगी उससे, देखेंगी भी उसका डांस। तो यहाँ पर वो अपना डांस दिखाएगी और उनको समझ में आ जाएगा अरे ये तो बहुत अच्छी डांसर है।